तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम देखने वाले कूलॉम्स लॉ, और इसमें खाली मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि कितना अमाउंट रहेगा, उसी के बारे में बात करेंगे। अब हुआ क्या था, जैसे कि हमें पता है, ठीक है, उस टाइम में साइंटिस्ट लोगों को पता था कि सोडियम प्लस होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है। अब ये प्लस और ये नेगेटिव, अभी आपको पता है ये चार्जेस होते हैं, और इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, इन दोनों के बीच में सोडियम और क्लोरीन के बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। और ये क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट वगैरह फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड आपका आयनिक बॉन्ड का होता है। और क्यों ये स्ट्रॉन्गेस्ट है आपको आइडिया भी मिल चुका होगा, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से होता है। और हमने देखा है ये ग्रेविटेशन फोर्स से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। कुल मिला के थर्ड, जो थर्ड नेचर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या होता है आपका, आयनिक फोर्स होता है, मतलब वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। और यही फोर्स उन दोनों के बीच में लग रहा होता है, इसलिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। अब इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, दोस्ताना क्यों है, क्योंकि इनके बीच में एक फोर्स है, इनके बीच में एक फोर्स लग रहा है। ये तो केमिस्ट्री का बात है, जब हम फिजिक्स में बात करेंगे कि कितना लग रहा है, अब हमें जानना है कितना लग रहा है इसके बीच में। जब दोनों इकट्ठे रहते हैं, सोडियम क्लोराइड जब बनता है, जब दोनों इकट्ठे रहते हैं तो इनके बीच में फोर्स लगता है। नाउ द क्वेश्चन इज कितना फोर्स लगता है। तो उसके लिए हमारे कूलॉम सर आए, उन्होंने बताया, उन्होंने स्टडी किया इसको, ठीक है, बढ़िया से उन्होंने स्टडी किया है इस सेटअप को, डन। ये उन्होंने वैक्यूम में रखा था, ये जो सेटअप उन्होंने बनाया था चेक करने के लिए, इसको उन्होंने वैक्यूम में रखा था, ठीक है, इसे आप याद रखोगे, वैक्यूम में रखा था। रखने के बाद उन्होंने देखा कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, वो डिपेंड करता है दोनों चार्जेस पे। तो लेट से ये जो चार्ज है, एक प्लस है और एक नेगेटिव है, तो लेट लेट द चार्जेस आर प्लस क्यू एंड नेगेटिव क्यू। सोडियम का एटम छोटा होता है, क्लोरीन का बड़ा होता है, क्या उससे कुछ फर्क पड़ रहा है इनको, नहीं, इनके बीच में अट्रैक्शन क्यों है, इस चार्जेस की वजह से। बात क्लियर है ना, चार्ज क्या, इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास एक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ तक बात क्लियर है। लेट द चार्जेस आर प्लस क्यू एंड नेगेटिव क्यू, इसी को मैंने प्लस क्यू लिख दिया, इसी को मैंने नेगेटिव क्यू लिख दिया। अब देखना, उन्होंने स्टडी किया कि इसमें चार्जेस किस पे डिपेंड कर, मतलब इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो उन्होंने देखा कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिपेंड करता है इन दोनों चार्जेस के ऊपर। नाउ द क्वेश्चन इज कैसे, नाउ द क्वेश्चन इज कैसे, ठीक है, मैं इसको प्लस क्यू माइनस क्यू नहीं लिखता हूँ, मैं इसको एक चार्ज क्यू टू लिख देता हूँ, नेगेटिव है सच है, बट मैं इसको क्यू वन क्यू टू लिखता हूँ, क्योंकि बुक में क्यू वन क्यू टू लिखा है, ठीक है, तो क्यू वन एंड क्यू टू। उन्होंने देखा ये दोनों दोनों चार्जेस पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन कैसे, क्या इनके प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, क्या इनके सम पे डिपेंड कर रहा है, क्या फोर्स, क्या इनके सब्ट्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, या इनके डिवीजन पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है फोर्सेस। तो उन्होंने बढ़िया से स्टडी किया, उन्होंने करके देखा कि ये जो फोर्स है इनके प्रोडक्ट पे, इन दो चार्जेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, तो इन इनमें से किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और उन्होंने देखा कि अगर हम एटम को थोड़ा सा, ये जो आयन्स है ना, इनको थोड़ा सा दूर डिस्प्लेस करते तो फोर्सेस एकदम जीरो होते हैं, क्योंकि कल हमने जब वो पेपर को उठाया था, तब हमने जब ऐसे रखा था ना बहुत ही नज़दीक, तभी वो चिपकता था। अगर मैं इसी पेन को चार्ज करके इतना ऊपर में रखूँगा, क्या वो आके चिपकेगा उससे, नहीं चिपकेगा ना, मतलब क्या है, डिस्टेंस पे, बहुत ही माइन्यूट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, मतलब क्या है, थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा तो फोर्सेस जीरो हो जाएंगे। तो इस तरह के केसेस को हम ऐसे लिखते हैं, वन बाई आर स्क्वायर, मतलब जो डिस्टेंस है उन पर रैपिडली डिपेंड करते, दैट इज़ वन बाई आर स्क्वायर। तो उन्होंने देखा बढ़िया से कूलॉम ने, तो सर ने बताया कि हाँ ऐसा कुछ होता होगा, ऐसा कुछ हुआ है, मतलब मेरे ऑब्जर्वेशन में जो फोर्स है इन चार्जेस के बीच में, दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस अगर थोड़ा सा भी बढ़ जाएगा तो उनके फोर्स अचानक जीरो हो जाएगा, बहुत नज़दीक आएगा चाक से चिपक जाएंगे, ठीक है, ये बातें क्लियर है। तो इन दोनों को उन्होंने इकट्ठा लिखा, इकट्ठा लिखने के बाद कैसा बन जाएगा देखने में, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब ये इक्वल टू वाला साइन नहीं है, हमें पता है, अगर इसमें से इक्वल टू वाला साइन बनाना है तो हमें एक कॉन्स्टेंट लेना पड़ेगा, तो हमने ले लिया एक कॉन्स्टेंट, दैट इज सी, लेट्स से कूलॉम्स कॉन्स्टेंट, क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। हियर इस केस में सी क्या है हमारा, कूलॉम्स कॉन्स्टेंट, क्योंकि कूलॉम्स हमने किया था तो उन्होंने अपने नाम पर लिख दिया कूलॉम कॉन्स्टेंट। यहाँ तक बातें क्लियर है, तो यहाँ तक सारे बातचीत हो गए। उसके बाद सर ने तो ये फॉर्मूला दे दिया, फिर सर ने बताया कि यहाँ पे जो कांस्टेंट का वैल्यू है वो कितना होगा, ठीक है, सर ने बोला कि ये कांस्टेंट का वैल्यू कितना होगा। सो फॉर कांस्टेंट, फॉर कांस्टेंट सी,
कांस्टेंट सी के लिए लेट जो चार्जेस है हमारे पास Q1 और जो Q2 है दोनों सेम हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सेम चार्ज उन्होंने माना, लेट से 1 कूलम। अभी आपको नहीं पता है 1 कूलम क्या है क्योंकि मैं इसका डेफिनेशन सबसे लास्ट में करवाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि तब तक आपको एक बेटर आइडिया हो चुका होगा। देखो एक कूलम भी क्या होता है, एक चार्ज का यूनिट है, इसको भी हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज में ही बताते हैं, डन। तो उन्होंने इसको 1 कूलम माना दोनों चार्जेस को, एंड डिस्टेंस सब SI यूनिट में माना, ठीक है, सब SI में। डिस्टेंस इज 1 मीटर, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, दो मॉलिक्यूल के बीच का 1 मीटर का सेपरेशन है। एंड फोर्स एक्सपीरियंस्ड, एंड फोर्स्ड एक्सपीरियंस्ड जो फोर्स एक्सपीरियंस हुआ वो कितना हुआ से 1 न्यूटन। तो वहाँ से उन्होंने C को कैलकुलेट किया, ठीक है। तो उन्होंने सारे वैल्यूज़ को यहाँ पुट अप किया, ठीक है। यहाँ पे जो 1 कूलम लिया ना, 1 कूलम को उन्होंने इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्जेस में लिया था, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ 1 1 डालोगे तो सी का वैल्यू 1 निकल के आएगा, लेकिन यहाँ पे 1 कूलम को किस में लिया था, इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्जेस, क्योंकि हमने यहाँ अभी तक सारे चीज़ देखा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तो 1 कूलम को भी उन्होंने इलेक्ट्रॉन के चार्ज के टर्म पे लिखा था, ठीक है। फिर यहाँ से जो फाइनली उनको सी निकल के आया वैल्यू, वो आया था आपका 9 × 10⁻⁹, ये बातें क्लियर है, ये उसका वैल्यू निकल के आया। अभी इस सी का यूनिट क्या होगा, सी का यूनिट, तो यूनिट निकालने के लिए आप ऐसा फंडा फॉलो कर सकते हो। देखो खाली सी को एक तरफ रखो, एफ वहाँ पे था रखने रहने दो, आर स्क्वायर वहाँ भेजो, तो एफ आर स्क्वायर, यहाँ तक बातें क्लियर है। Q1 Q2 नीचे भेजो, Q1 Q2 नीचे भेजो, तो ये आ गया तुम्हारा सी। तो सी का यूनिट क्या रहेगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन, आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर स्क्वायर, नीचे Q1 Q2 दैट इज एक का कूलम दूसरे का भी कूलम, तो कूलम स्क्वायर, ये होता है आपका सी का यूनिट, डन। तो ये उन्होंने बताया वैक्यूम में। अब क्या हुआ, सेम केस को क्या मैं तुम्हारे सामने एक नमक का दाना अगर तुम्हारे सामने यहाँ पे रख दूँ सामने, क्या तुम उसको ऐसे पकड़ के उसको तोड़ सकते हो, तुम सोचना ऐसे तोड़ सकते हो पकड़ के रगड़ रगड़ के, बोलोगे नो। यही अगर नमक का दाना मैं अगर पानी में डाल दूँ, क्या वो आराम से घुल जाता है पानी में यू से, हाँ। तो कूलॉम सर ने जब इसी एक्सपेरिमेंट को पहले तो यहाँ पे वैक्यूम में रख के किया था, फिर सर ने इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया, उनके पास क्यूरोसिटी था तो उन्होंने किया। इन्होंने इस बार इसी चीज़ को वाटर में डाला, सपोज वाटर में डाल दिया, तो ये था इन्हें आपका पॉजिटिव चार्ज, ये था आपका Cl नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बस इस कंडीशन में हम इसको क्या मानेंगे, Q1 Q2। उन्होंने देखा इनके बीच में अभी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम हो चुका है, क्योंकि इसलिए तो पानी में इजीली घुल रहा था ना वो, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो चुका है, काफ़ी कम हो चुका है, डन। यहाँ पे जितना फोर्स लग रहा था अभी वो फोर्स नहीं लग रहा है। कूलॉम सर ने अभी भी चार्जेस को 1 कूलॉम रखा, डिस्टेंस भी उनके बीच में 1 मीटर में रखा, ठीक है, फोर्स भी उनके बीच में लेट से 1 न्यूटन ही लग रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग इजीली घुले जा रहा है। तो कूलॉम सर को एक शक हुआ कि ऑब्वियसली यहाँ पे जो फोर्स कम लग रहा है ना, यहाँ पे जो फोर्स कम लग रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे अगर मैं इतने डिस्टेंस में लगता और 1 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, तो अब जब मैंने पानी में उनको डाला है तब भी उनके बीच में डिस्टेंस उतना है, चार्जेस मैंने उतना ही रखा, फिर भी यहाँ पे फोर्स डाउन कैसे हुआ, ऑब्वियसली इस कॉन्स्टेंट का वैल्यू डाउन हुआ होगा। तो उन्होंने उनको मतलब उन्होंने बोला कि ये कॉन्स्टेंट का वैल्यू डाउन हो रहा है अलग अलग मीडियम में, किसी में बढ़ रहा है किसी में डाउन हो रहा है। फिर से सर ने यही सेम एक्सपेरिमेंट को किया, इस बार उन्होंने इस सोडियम को और इस क्लोरीन को, दैट इज़ आवर Q1 Q2 चार्जेस को इस बार केरोसिन में डाल दिया, लेट्स से किस में डाल दिया, केरोसिन, पता है ना पेट्रोल टाइप का होता है, उसमें डाला मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल। जब उन्होंने यही सेम सेटअप को इसमें डाला, फिर से उन्होंने देखा एक क्या इस बार भी फोर्सेस कम हो रहा है, तो उन्होंने बोला हियर सी डिपेंड्स ऑन मीडियम पे डिपेंड करता है, एंड इट इज़ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत ही गहराई में, ठीक है। सी डिपेंड्स ऑन मीडियम एंड इट इज़ कॉल्ड परमिटिविटी, और इसको एप्साइलन से लिखते हैं, ई फॉर एप्साइलन, ठीक है, ई लिखते हैं एप्साइलन, लिखते इसको EPSILON ग्रीक वर्ड है, ठीक है, एप्साइलन। तो कूलॉम सर ने बोला जो सी है वो ऑब्वियसली किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे, क्योंकि यहाँ पे मैंने चार्जेस सेम लिया, डिस्टेंस भी सेम रखा, लेकिन अलग अलग मीडियम में अलग अलग फोर्सेस क्यों मिल रहे थे, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करता है, कांस्टेंट, ये मीडियम पे डिपेंड करता है और मीडियम के परमिटिविटी पे डिपेंड करता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तो फाइनली उन्होंने बोला जो सी है
वो डिपेंड करता है तुम्हारा मीडियम पे, दैट इज एप्साइलन, और उसके सामने एक कांस्टेंट दैट इज 1/4 पाई एप्साइलन, ठीक है, ये होता है मीडियम, डन, मीडियम पे डिपेंड करता है। और उन्होंने जो सी का वैल्यू निकाला था ये किसके लिए निकाला था, वैक्यूम के लिए, वैक्यूम में कुछ नहीं होता है, तो लेट्स से इट इज एप्साइलन नॉट, ठीक है। तो सी का वैल्यू दैट इज सी इन वैक्यूम नथिंग, सी इन नथिंग, सी इन नथिंग दैट इज सी नॉट, उसी में जब वैक्यूम में जब सी का वैल्यू कैलकुलेट किया गया था दैट इज़ कितना आया था हमारे पास, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आपका जो वैल्यू होता है सी का दैट इज़ कूलम कांस्टेंट वैक्यूम में 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। सेम अगर इसको मैं परमिटिविटी के टर्म पे लिखूंगा दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन मतलब क्या है, परमिटिविटी किसका, वैक्यूम का, नॉट मतलब नथिंग, नथिंग किसमें होता है, वैक्यूम का, तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम उसके टर्म पे भी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो फाइनली इतने सारे चीज़ें हमारे कूलॉम सर करने के बाद उन्होंने बताया जो फोर्स दो चार्जेस के बीच में लग रहा है Q1 Q2 के बीच में वो कितना है हमारा, जस्ट उसका वैल्यू बताया, कितना बताया, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नॉट फॉर मीडियम, नॉट फॉर योर क्या बोलते हैं जीरो, नॉट होता है, ठीक है, जीरो मतलब किसके लिए, वैक्यूम के लिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², ये होता है उनका दिया हुआ फोर्स का फॉर्मूला, डन। इसीलिए याद रखना ये जो कूलॉम्स लॉ है ना, तो इसमें से हम फोर्स को निकालते हैं, देखो ये जो कूलॉम्स लॉ है इसमें से हम फोर्स को निकालते हैं, ठीक है, इसमें से हम फोर्स को निकालते हैं, किस फोर्स को निकालते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसी से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हैं, दो चार्जेस के बीच में क्या फोर्स लग रहा है, डन। और इसी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही हम कूलॉम्बिक फोर्स भी बोलते हैं, कूलॉम्बिक फोर्स, क्यों, क्योंकि इस फोर्स का फॉर्मूले को कैलकुलेट किसने किया था, कूलॉम ने कैलकुलेट किया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले ये जो मीडियम का जो प्रॉपर्टी था ना एप्सिलॉन, इसके बारे में, इसे हम बोलेंगे परमिटिविटी, और वहाँ पे मैं आपका परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी और आपका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो आने वाला है उसको भी वहीं पे कवर अप कर लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मस्ट वॉच वीडियो रहेगा इसी का कंटिन्यूशन पार्ट का, तो मैं मिलता हूँ आपसे उस वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।